नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, सारंग बोले फेक फॉल्स और फर्जी है कांग्रेस, जनता को गुमराह करना है कांग्रेस का। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने व्यापारियों से की अपील, भूपेंद्र सिंह बोले जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाएं, कोरोना को रोकने में दें अपना योगदान। और इंदौर में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन, सेवा दल ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, महंगाई को कम करने की रखी मांग। हाल ही में सोशल मीडिया फॉलोअर्स को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने इस बयान में विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3F पर काम करती है, वो है फेक, फॉल्स और फर्जी। इतना ही नहीं, MP कांग्रेस के ट्विटर फॉलोअर्स को मंत्री विश्वास सारंग ने एक ही बताया है, यानी कि फेक ही बताया है। सारंग का कहना है कि कांग्रेस का मंतव्य केवल और केवल जनता को गुमराह करना है। अगर सारंग का कहा माने तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्वीट पर 30 सेकंड में हजारों रीट्वीट होते हैं और ये ऑर्गेनिक रूप से संभव नहीं है। इन सभी के बीच उन्होंने मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि अभी तक प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, ये एक बड़ा रिकॉर्ड है, हमारे लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी काम करने में यकीन करती है। देखिए, आदि अनादि काल से नेहरू परिवार और कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति करती आई है। हर मुद्दे पर फेक, फर्जी और फॉल्स, इन 3F पर काम करती है कांग्रेस। इसलिए चाहे उनका ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर की बात हो तो उसकी संख्या भी केवल और केवल फर्जी ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे का उनका अंदेशा, उनका जो मंतव्य है वो केवल यह है कि जनता को गुमराह करना। राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी के ट्वीट में 30 सेकंड में हजारों रीट्वीट हो जाते हैं, ये ऑर्गेनिक रूप से संभव नहीं। उन्होंने कहा कि दुकानों में अनावश्यक भीड़ ना हो, इसके लिए कूपन व्यवस्था लागू करें, साथ ही बिना मास्क के दुकानों में सभी की एंट्री को बैन कर दें, सभी व्यापारी संघ जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाएं और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने में अपना योगदान दें। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि कोविड अनुकूल व्यवहार चालानी कार्यवाही भी की जाएगी, लेकिन कोविड अनुकूल व्यवहार करने वाले व्यापारी बंधु हैं, जो भी बिजनेसमैन है, उन सब से निवेदन है, आग्रह है कि वो इस बात की कोशिश करें कि उनके शॉप में, शोरूम में अगर लोग आते हैं तो एक साथ भीड़ ना हो, कूपन सिस्टम हो, एक साथ लोग ज़्यादा संख्या में अंदर ना जाएं, ये सुनिश्चित करें। साथ में ये भी देखें, मास्क के प्रति भी लोगों को जागरूक करें, वैक्सीनेशन के प्रति भी लोगों को जागरूक करें। और इसलिए मेरा सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह है कि जो कोविड अनुकूल व्यवहार है। इन दिनों पूरे देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सेवा दल विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इसी विरोध प्रदर्शन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। इस कड़ी में इंदौर नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल सहित भारी संख्या में सेवा दल के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान सेवा दल अध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया कि फिलहाल हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए कहा जाएगा। विनय वाकलीवाल जी के नेतृत्व में इंदौर के हर चौराहे पर
महंगाई के विरोध में, डीजल के, पेट्रोल के और गैस की टंकी के विरोध में अभियान चला जा रहा है। सेवा दल द्वारा पूरे देश के अंदर ये अभियान आज के दिन चल रहा है और लाखों को लोग इसमें अक्षर कर रहे हैं। परंतु कोरोना की महामारी चल रही थी, इस कारण आम पब्लिक आगे नहीं आ पा रही, रोड पर आंदोलन नहीं कर पा रही है उनके बीच में, क्योंकि हर हर 144 धारा लगी हुई। परंतु इंदौर ने पूरे देश के अंदर डीजल के भाव आप देखिए 100 के करीब हो गए, पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। और जो सोयाबीन का तेल है, जो 1200 का डब्बा आता था वो 2500 का डब्बा आ रहा है। सोयाबीन का भाव जो 2500 आज 10,000 रुपये हो गए। हर चीज़ के आटा हो, तेल हो, पेट्रोल हो, हर चीज़ के भाव इतने बढ़ चुके हैं। आज पूरे इंदौर के अंदर एक अभियान चलाया गया है हर चौराहे के ऊपर महंगाई के कारण, ये जो गैस की टंकी डबल, तेल, पेट्रोल, डीजल, इस कारण मतलब हर जगह पे अभियान पीने वाली जा रही। मोहन जी और अपने संजय शुक्ला जी और मुकेश यादव अपने अध्यक्ष सेवा दल सभी मिलके पूरे इंदौर के अंदर आंदोलन चल दिया है। क्या क्या रहा आंदोलन का हस्तक्षर करवाया, सभी लोगों से, गाड़ी वालों से करवाया, आम जनता से करवाए। हर आम जनता परेशान थे, पहले कोरोना से परेशान थी, अब महंगाई से परेशान है। आपका नाम? मेरा नाम किम बाबा। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर पूरे देश में सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी और प्रदेश अध्यक्ष रजनीश सिंह जी के आह्वान पर पूरे देश में सेवा दल द्वारा देश में जो बढ़ती पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि है और खाने पीने की जो सामान में बेहताशा वृद्धि हुई है, उसके खिलाफ पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। 1 जून को हम संभागायुक्त कार्यालय पर ये जो भी हस्ताक्षर है वो पूरा ज्ञापन हम संभागायुक्त जी को राष्ट्रपति जी के नाम देंगे और बढ़ती हुई महंगाई के